एवरी वॉन दिस इज डॉक्टर सैम एवरी वन इज़ आस्किंग अबाउट द स्कोप ऑफ बी डी एस एंड एम बी बी एस एन पाकिस्तान क्या आप लोग के पास आ, क्या है बी डी एस में जॉब्स है नहीं है सैलरी कैसी है एम बी बी एस के बराबर है एम बी बी एस के बराबर नहीं है क्या डिफरेंसेज है वो सारे मैं आप लोग को आज इनशा इस वीडियो में बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप लोग सुनेंगे जिसकी कोई वो नहीं है कोई बुनियाद नहीं होती और वो लोग अपने आप से जो है आप लोग को गलत मशवरे देते हैं सो so, इनशल आई विल लव टू एडवाइस यू द वेरी बेस्ट वे ठीक है अब देखिए जी सबसे पहले हमारे पास आता है बी डी एस पिछल डेंटल सर्जरी मतलब कि आप डेंटल सर्जन बन रहे होते हैं ठीक है अब क्या है डेंटल सर्जन उसके क्या स्कोप है कैसी है क्योंकि हमारे पास कामयाबी जो है उसको पैसों से भी ना पा जाता है सो द वेरी फर्स्ट रैंक देखे आप लोग को पता है कि बी की मेरिट जो है वह एम के मुकाबले में कम होती है इतनी भी कम नहीं होती कि आप लोग सोचना समझना स्टार्ट कर दे कि आपकी जो है बहुत कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगी नहीं भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है थोड़ी सी डिफरेंस होती है ठीक है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको एम बी बी एस में एडमिशन मिलता है लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के बुनियाद पर अपने शौक़ से बी डी एस में चले जाते हैं उनको अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में एम बी बी एस की ऑफर आई हुई होती है लेकिन वो फिर भी बी डी एस में जाते हैं तो क्यों जाते हैं तो इसकी भी डिफरेंट रीज़न्स हैं ठीक है अब देखीजिए <coughs> बी डी एस जो है बेचलर ऑफ डेंटल सर्जरी ठीक है तो ये क्या है सबसे पहले आप लोग को जो फ़ायदा होता है वो ये है कि ये स्टडी फोर इयर्स पर मुशतमिल है जबकि एम बी बी एस पाँच साल की स्टडी है ठीक है अब चूँकि आप चार साल पढ़ रहे हैं बेचलर ऑफ़ डेंटल सर्जरी बी डी एस तो इसकी वजह से हर एक कॉलेज में जो है इसकी सीट्स बहुत कम होते हैं मतलब अगर दो तीन सौ चार सौ एम बी बी एस की सीट्स होते हैं तो पचास जो है वो आपके पास बी डी एस के होते हैं बी डी एस की सीट्स जो है वो बहुत कम होते हैं ठीक है इसी वजह से जो बी डी एस के स्टूडेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी बहुत कम होते हैं तो आगे जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं तो वो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम आती है ठीक है आप अगर बी कर रहे हैं तो आगे जाके आपको गवर्नमेंट जॉब की कमी जो है वो हो सकती है क्योंकि बहुत कम सीट्स आते हैं गवर्नमेंट की जानब से अनाउंस होते हैं ठीक है लेकिन नथिंग टू वरी अबाउट क्यों क्योंकि कभी भी आप एक बी डी एस डेंट जो डेंटल सर्जन है आप लोग कभी उसको बेरोज़गार नहीं देखेंगे बल्कि लश फश अच्छी खासी लाइफ होती है लाइफ स्टाइल होती है उनकी क्यों क्योंकि देखिए जी आपने चार साल B.D.S किया उसके बाद आपने हाउस जॉब किया हाउस जॉब में आपको बिल्कुल M.B.B.S जैसी सैलरी मिलती है जिस तरह M.B.B.S को वाले हाउस ऑफिसर को मिलती है इसी तरह B.D.S वाले को भी मिलती है सेम टू सेम ठीक है अब उसके बाद जो है आप डायरेक्टली अपने लिए एक प्राइवेट सेटअप जो है अगर आप टैलेंटेड है आप बना सकते हैं ठीक है और उस सेटअप में जो है आप अच्छी खासे मतलब इतने महंगे महंगी सर्जरीज होती है अगर आर आप लोग देखेंगे तो दस पंद्रह हज़ार से तो एक भी सर्जरी उसमें कम नहीं है तो बहुत ज़्यादा मतलब अगर पैसों के लिहाज से देखेंगे तो बड़ा पैसों वाला वो है और वो भी बहुत इंस्टेंट क्योंकि एम में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है बहुत ज़्यादा टाइम तक लेकिन बी में आप बहुत यंग एज में भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं दो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती लेकिन फिर भी आप जो है इतने सारे ढेर पैसे कमा सकते है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत होती भी नहीं है ठीक है तो ये बी की एक अच्छी खासी बात है दूसरी बात यह कि बी में आप लोगों को ए सच कोई इमरजेंसी पेश नहीं आती मतलब आपकी नाइट ड्यूटी और ये चीज़ें नहीं होती थी इसी वजह से मैं गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि गर्ल्स जो है वो अक्सर पठान और ये जो बहुत सारे लोग जो है वो कंजरवेटिव होते हैं नाइट ड्यूटीज़ और इनसे उनको छिड़ होती है तो आपको जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी नाइट ड्यूटी नहीं होती आपकी सैलरी अच्छी होती है स्कोप बड़ा अच्छा है बेस्ट है ठीक हो गया अब लड़कियों के लिए मैं स्पेसिफिक प्रोफेवर कर रहा हूँ अब एम बी एम बी बी एस क्या है एम बी बी एस जो है बेचल ऑफ़ मेडिसन एंड बेचलर ऑफ़ सर्जरी अब इसमें क्या है कि आपको आ, सबसे पहले बात की इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा होती है दूसरी बात यह है कि आ, आगे जाके चूँकि आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप दोबारा से सर्जरी में भी आ सकते हैं और मेडिसिन में भी जा सकते हैं ठीक है इसके अलावा जो है आपको एक पाँच साल की स्टडी और उसके बाद जो है एक साल हाउस जॉब हाउस जॉब उसके बाद जो है आपने आगे क्या करना होता है कि आप अगर सिंपल एम बी बी एस हैं तो फिर आपको मतलब ए सच आप कोई प्राइवेट सेटअप बना लेंगे तो भी इतनी ख़ास पेशेंट आपकी नहीं होती ठीक है ए सच का अगर आप लोग बी डी एस करते हैं तो बी डी एस के बाद आप लोग को सीधा से आप अपना प्राइवेट सेटअप खोल सकते हैं लेकिन एम बी बी एस में ए सच आप नहीं कर सकते क्योंकि आगे जाके बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोगों को मिलते हैं कंसल्ट जिन्होंने किसी ना किसी फील्ड में गैस्ट्रो में पल्मोनोलॉजी में कार्डियो में स्पेशलिस्ट लोग मौजूद होते हैं तो वो क्यों एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास आएंगे तो एमबीबीएस में अगर आप अच्छा डॉक्टर बनना आपको वो है बनना है तो फिर आपने आगे जाके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बी करने होते हैं और एक पूरा स्पेशलिस्ट आप लोगों ने बनना होता है उसके बाद जाके आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं ठीक है तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एम ठीक है इसमें साथ साथ में नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं लेकिन एम का जो अगर मैं फ़वाद गिनने लगूंगा तो ज़ाहिर बात है आ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं पेशनेट होते हैं कि मैं इमरजेंसी डील करूँ मैं लोगों की जो है आ, हद से ज़्यादा मैं मतलब आ, वो करूँ मैं ख़िदमत करूँ तो ख़दमत के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं इस कम्पेयर टू बी क्योंकि आपको लाइफ सेविंग काम आप लोग करते हैं ना मतलब किसी भी टाइम जो है आप बड़े बड़ी चीज़ों से डील करते हैं जबकि बी में आपको एज सच इमरजेंसी नाइट ड्यूटीज ये फेस नहीं करनी पड़ती ठीक हो गया एज फार एज द सैलरी एंड स्कोप इज कंसर्न तो गवर्नमेंट की जॉब से एम बी बी एस के जॉब्स बहुत ज्यादा होते हैं तो जो लोग एम बी बी एस करते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स की ए सच डिफिकल्टी नहीं आती uh, मतलब बहुत ज़्यादा एमओ की सीट्स जो है मेडिकल ऑफिसर की सीट्स बहुत ज़्यादा आती है उसके बाद जो है कंसल्टेंट बन के भी बहुत ज़्यादा जॉब्स होती है तो जॉब्स की यह सच उसमें नहीं है लेकिन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको और एक बड़ा डॉक्टर बनने में ठीक है जबकि बी में आप बहुत शॉर्टली जो है आफ्टर फोर इयर्स आपके हाउस जॉब और उसके बाद आप अपना प्राइवेट सेटअप खोल सकते हैं उसमें भी बी में भी आगे जाके आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट uh, उसमें जा सकते हैं स्पेशलाइजेशन करने के लिए मैगजलोफेशियल है आर्थोडोंटिक्स है डिफरेंट फील्ड्स है उसमें आगे जाके ठीक है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं uh, अब देखिए जी uh, आता है हमारे पास फॉरेन के लिए तो देखिए जी अगर आप बीडीएस कर रहे हैं और आप फॉरेन में जाते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा मतलब मज़े होते हैं uh, ठीक है कनाडा में या फिर किसी भी दूसरे मुल्क में अगर आप वहाँ के टेस्ट्स क्लियर करते हैं लाइसेंसिंग एग्जाम होते हैं तो बड़ा अच्छा होता है ये अपॉर्चुनिटी एम बी और बी दोनों के लिए सेम है अगर एक एम बी स्टूडेंट है जो अमेरिका में जाना चाहता है तो उसको यू सी में लिए एक एग्ज़ाम होता है वो आप लोगों ने क्लियर करना होता है अगर आप यू के में जाना चाहते हैं तो भी आप लोगों को प्लेब जो है एक एग्ज़ाम है इसके अलावा आयरलैंड में जो है सच कोई वो नहीं है तो बाहर ममालिक में आप लोग बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर अपना सेटअप खोल सकते हैं ठीक है लेकिन बाकी जो है दुनिया में सच कोई भी फील्ड अच्छा बुरा नहीं होता ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है अगर आप जो है उर्दू कर रहे हैं इंग्लिश कर रहे हैं तो भी आप जो है एक अच्छे और फेमस प्रोफेसर बन सकते हैं जो कि हज़ार डॉक्टरों से अच्छा होता है अगर वो एक टॉप क्लास का प्रोफ़ेसर है इसी तरह अगर डॉक्टर बनना है बी करना है एम करना है तो सबसे पहले एक चीज़ ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है पढ़ाई के बाद जो है जाहिर बात है आपने स्ट्रगल किए तो आपको उस हिसाब से सिला मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स होते हैं लेकिन फिर हम कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर बुरा डॉक्टर तो वो आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है आपकी एफ़र्ट्स पे डिपेंड करता है ठीक है बाकी रिज का मामला है तो जाहिर बात है अल्लाह ने जिसको भी जैसी भी अच्छी देनी है तो वो आपकी लिखी होती है स्टे स्ट्रांग मेक यूर फील्ड टू बी प्राउड थैंक यू